आज मैं आप लोगों को मर्दाना टाइमिंग का एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा। ये नुस्खा बेयक वक्त, मुमसिक, मुहर्रक और मुगल्लस भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आप लोगों को अपने चैनल दारिशफा में खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें, और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। तो मेरा आज का टॉपिक है मर्दाना टाइमिंग, यानी ये एक छोटा सा नुस्खा है जो छह चीज़ों पर मुश्तमिल है। ये नुस्खा बयाक वक्त, मुहर्रक, मुगल्लस और मुमसिक भी है, यानी ये टाइमिंग के साथ साथ मनी को हद से ज़्यादा गूंद की तरह ये गाढ़ा करता है। ऐसे अफराद जिनको शहवत काम आती है उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। मनी के अंदर जो औलाद पैदा करने वाले जरसूमे हैं, अगर वो कमज़ोर हैं तो उनको भी ये ताकतवर बनाता है। तो ये छः अज्जा कौन कौन से हैं नोट फरमा लें। नंबर एक पे स्तावर, ये आपने तीन तोले लेना है। इसके साथ तालम खाना, ये भी तीन तोले। अकर करा, ये भी तीन तोले। तुखम प्याज, ये भी तीन तोले। अजवैन खरासानी, ये भी तीन तोले। और असगंध नगूरी, ये भी तीन तोले। तो ये 18 तोले वजन बनेगा। तो आपने इसका पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद तीन माशा सुबह नाश्ते के एक घंटा बाद और तीन माशा रात के खाने के एक घंटा बाद आधा किलो नीम गर्म दूध, उसमें एक चम्मच शहद का डाल के उससे आपने ये दवाई लेनी है। तो इस दवाई के मुसलसल 21 दिन इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल व करम से आपकी मर्दाना टाइमिंग भी बेहतरीन हो जाएगी, आपकी मनी जो है वो भी हद से ज़्यादा गूंद की तरह गाढ़ी हो जाएगी। तो सेक्स के बारे में किसी भी मालूमात के लिए हमारे चैनल दारिशवाद वाखाना के साथ बने रहें, जुड़े रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से फ़ायदा होगा। तो अगर आप हमसे कोई मेडिसन बनी बनाई मंगवाना चाहते हैं तो जो सामने पेज पे नंबर नज़र आ रहे हैं आप उन नंबरों पे रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा और आप लोगों का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।